अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू लाइव। तो आप सोच रहे होंगे ये बोतल किस लिए काटी जा रही है। तो इसकी एक बहुत ही ख़ास वजह है जो कि मैं आज आपको स्टूडियो में दिखाऊंगा। तो ये हमने पहले तो लोहे वाली छुरी को अच्छी तरह गर्म किया है और जो बोतल का नीचे वाला हिस्सा है वो काट रहे हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ टिड्डी दल जो कि जिनको के लोपास्ट कहते हैं, उनके अटैक का खतरा है, हमने लगाया हुआ है जैतून का बाग, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा जैतून के पौधे लगे हुए हैं, तकरीबन 1300 पौधा ना। तो अभी आप ये देख रहे होंगे कि ये पौधे नज़र तो आ नहीं रहे हैं, जैतून के प्लांट्स, तो ये अभी इंतहाई छोटे हैं, जिसके लिए हमने यही इंतज़ाम हमारे जहन में आया कि बोतलों को काटा जाए और उनको प्लांट्स को उनके ऊपर लगाया जाए, क्योंकि हमारे पौधे बिल्कुल ही छोटे हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये अभी 1 फुट का नहीं कह सकते इसको, ये तकरीबन 6 माह का पौधा है वैसे तो, क्योंकि ये नर्सरी हमारे यहाँ आई थी तो ये छोटा था काफ़ी, तो ये इससे भी छोटा था। अब इसको हम इन बोतलों से ढकेंगे, क्योंकि हमारे पास टिड्डी का बहुत ही ज़्यादा हमले का अंदेशा है, जो कि हमें रात वालों ने कहा। तो जैसा कि देख सकते हैं, इन सुराख करने का बोतलों में बेसिकली ये मकसद है कि पौधे को जब ढांपा जाएगा बोतलों से तो उनको ऑक्सीजन मिले, लेकिन टिड्डी जो है वो अंदर ना जा सके, लोपास अंदर ना जा सके, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल सुराख किया जा रहा है बोतल में। तो इनको ऊपर से तो ढक्कन से ढांप देंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तजुर्बा कामयाब हो गया था, तो काफ़ी हमें इसका फ़ायदा हुआ था। अभी आप देख सकते हैं, ये कुछ ही दिनों की बात की वीडियो है जिसमें हमारे पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं, पिछली वीडियो में नज़र नहीं आ रहा था, तो शुक्र है अल्लाह का हम बच गए थे हम लोग। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स।